मुस्टैच कोकोनट वाला। एक बार एक गांव में एक प्रतियोगिता हो रही थी। वहां कई लोग बड़े बड़े मूछों के साथ, लंबे दाढ़ियों के साथ और खूब घने सिर के बालों के साथ खड़े थे। वहां पर एक जज। मेरे प्यारे केशपुर गांव वालों को मेरा नमस्कार। हर साल आयोजित इस केश कॉन्टेस्ट में इस साल भी 3 लोगों ने प्रतियोगिता जीता है। दाढ़ी स्पर्धा में बाबूराम, केश स्पर्धा में रामदास और मूछों की स्पर्धा में पहला इनाम चैटर्जी ने जीता है। इन सबको 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। ये कहते हुए उन तीनों को 1-1 लाख रुपए दिया। ये देखकर लोग खुश होकर ताली बजाने लगे। आप मेरी दाढ़ी देख रहे हैं ना, इतनी बड़ी है। मेरे बेटे की हमेशा यही शिकायत रही है कि मैंने अपनी दाढ़ी को उससे ज्यादा अच्छी तरह से पाला है। मैं ही जानता हूँ कि इस दाढ़ी के कारण मुझे कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी, पर आज यूं इनाम मिलने पर मुझे बहुत खुशी हुई। मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद भी। मेरे केश की इतनी बढ़िया देखभाल के लिए विदेश से तेल, शैंपू इत्यादि मंगवा कर इस्तेमाल करना ही इसका राज है। तकरीबन 5 लाख तक खर्च किया है मैंने। थिएटर में फिल्म देखकर कई साल हो गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे पिछले सीट पर बैठने वाले व्यक्ति को फिल्म दिखाई नहीं देती और वो मुझे मारने लगते। वो मार सह नहीं पाकर मैं घर पर ही टीवी देखकर संतुष्ट होता हूँ। इतनी मुसीबतों के बाद आखिर में प्रतियोगिता जीतने पर बहुत खुशी हो रही है। आखिर में चैटर्जी, गांव वालों को कोटि कोटि नमस्कार। लोग कहते हैं कि मूछ मर्द की निशानी है। मैं खुद नहीं जानता कि इन मूछों को मैं कब से बढ़ा रहा हूँ। ये लंबाई में ही नहीं ताकत में भी बहुत श्रेष्ठ हैं। चाहे तो आप खुद ही देख लीजिए। कहकर 2 नींबुओं को मूछ पर खड़ा किया। ये देखकर लोग हैरान होकर ताली बजाने लगे। मेरे प्यारे गांव वालों, इनकी बातें सुनने के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं। ये सब बड़े मेहनत से इन्हें बढ़ा रहे हैं। इनके मेंटेनेंस के लिए भी लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। इसलिए अगले साल से इनाम की रकम 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर रहा हूँ। ये सुनकर लोग फिर से ताली बजाने लगे। ये सब सुनकर हेगडे नाम के व्यक्ति सोच में पड़ गया। बाप रे, मूछ बढ़ाने से 5 लाख कमा सकते हैं। भाई ये तो बढ़िया है। अगली बार हेरा फेरी करके 5 लाख मारना होगा, ऐसा उसने सोचा। कुछ महीने बाद ऑटो में बैठे एक व्यक्ति घोषणा करते हुए जा रहा था। सुनो सुनो सुनो, हमारे जिले में इस महीने के 19 तारीख को बालों की प्रतियोगिता फिर प्रारंभ होने वाली है। इसमें 3 स्पर्धा हैं, दाढ़ी, सिर के केश और मूछ। इन स्पर्धाओं में जो भी विजयी होगा उसे 5 लाख दिया जाएगा। जो इच्छा रखते हैं वे आकर भाग ले सकते हैं, कहकर ऐलान करने लगा। हेगडे ने अपने घर पर आईने के सामने नकली मूछें चिपकाया। उसके हाथ में 2 बड़े नारियल भी थे, उन्हें मूछ पर रखा। दुनिया में कोई नहीं पहचानेगा कि ये मूछें नकली हैं और ये नारियल थर्मोकोल की है। इस बार इसी तरह वो 5 लाख रुपए मुझे ही जीतना होगा। प्रतियोगिता के दिन प्रतियोगी अपने मूछें, केश और दाढ़ी के साथ खड़े थे। जज उन सब की निरीक्षण कर रहे थे। वो हेगडे को देखकर, वाओ, वेरी गुड वेरी गुड। मेरे प्यारे केशपुर गांव वालों, इस बार ये युवक हेगडे ने बहुत बढ़िया मूछें बढ़ाई हैं। मैं खुद हैरान हूँ कि इतनी अच्छी मूछें हैं कैसे। इसलिए इस बार पहला इनाम इसे ही दे रहा हूँ। हेगडे बेटे, कंग्रेचुलेशंस, ये लो 5 लाख रुपए इनाम, कहकर उसे पैसे दिए। ये देखकर लोगों ने ताली बजाई। ये देखकर जोश में आकर हेगडे, दोस्तों, मेरे मूछों को पहला इनाम मिला का मुझे गर्व है और खुशी भी है। इसे बढ़ाने में मुझे 5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हुआ है, इसलिए अगले साल इनाम की रकम को बढ़ाने की गुजारिश करता हूँ। ऐसे करेंगे तो मेरे जैसे और नए युवक और उत्साह के साथ भाग लेंगे। पिछली बार जिन्होंने जीता था नींबू रख कर दिखाया था ना, मानो कोई बहुत बड़ी बात हो। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कहकर नारियल को मूछों पर खड़ा किया। ये देखकर लोग चौंक गए। इतने में वहां तेज हवा चली। उस हवा में उसकी नकली मूछें और नारियल उड़ गईं। वो जाकर सीधा जज के पास जाकर चिपकी। जज ने चौंक कर देखा
फिर गुस्से से उसे निकाला और क्यों रे, नकली मूछें लगाकर हमें ही धोखा दे रहे थे, पर से इनाम की रकम बढ़ाने की बात कर रहे थे। अरे मारो इसे सब मिलकर, कहकर चिल्लाने लगा तो सबने मिलकर उसको खूब मारा। एक गांव में ज्योति सुपरमार्केट हुआ करता था। उसके मालिक का नाम पवन था। उस गांव में हेमंत नाम का एक चोर रहा करता था। उसे नींद बहुत ज्यादा थी। दिन भर वो सोया ही रहता था और रात में चोरियां करता था। अगर किसी दिन वो चोरी करने नहीं गया तो दिन और रात दोपहर सोया करता था। वैसे वो हमेशा नींद में ही रहता था। बस या ट्रेन में चढ़ते ही उसे तुरंत नींद आ जाती थी। एक बार वो मास्क पहनकर सुपरमार्केट में गया। लोग वहां कतार में खड़े थे। सिक्योरिटी वाला थर्मल स्कैनिंग करके हाथ पे सैनिटाइजर किया। वो देखकर हेमंत, पता नहीं ये पनवती कब जाएगी यहाँ से। सबके चेहरे पे मास्क होता देख कौन क्या है पता नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे कर्जा देने वाले से छुटकारा जरूर मिल गया है, क्योंकि वो लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे, वो एक खुशी की बात है। वो अंदर शॉपिंग करते हुए अचानक सो गया। बाद में उठते ही देखा कि शॉप बंद हो गई। कैश काउंटर में देखा तो उसे पैसे दिखाई दिए। तुरंत उसे उठाकर जेब में डाला। वहां पे उसे एक वाइन बॉटल भी दिखाई दिया, तो उसे लेकर आहा, इस शॉप में तो वाइन बॉटल भी मिल गया, कितना किस्मत वाला हूँ मैं। चिप्स पैकेट भी कहीं पे मिल गया तो मामला तो मस्त हो जाएगा, सोच के चिप्स पैकेट भी उठा लिया। वैसे वो वाइन पीकर चिप्स खाकर एंजॉय करने लगा। बाद में वो नोटिस बोर्ड में लिखा एक फोन नंबर को देखकर उसके मोबाइल से फोन किया। घर में पत्नी के साथ रहा पवन को फोन आए। हेलो, कौन है जी आप? ज्योति सुपरमार्केट का ओनर पवन बोल रहा है, आप ही है ना? हाँ मैं ही हूँ, बोलिए। कुछ नहीं साहब, शॉप कब खोलेंगे वो पता लगाने के लिए फोन किया साहब। अभी शॉप बंद करके आए हैं, लॉकडाउन है ना, इसलिए 6 बजे बंद कर देते हैं। सॉरी सर, कुछ मत सोचिए। इट्स ओके सर, नो प्रॉब्लम। एक घंटे के बाद फिर से फोन करके, हेलो, ज्योति सुपरमार्केट का ओनर पवन बात कर रहे हैं? हाँ जी मैं ही हूँ, क्या चाहिए आपको? सर शॉप कब खुलेगी? कुछ देर पहले बंद किए, बोला था ना तुम्हें, क्या चाहिए आपको? सॉरी, ठीक है, कहकर फोन रख दिया। कुछ घंटों के बाद फुल पी के फिर से फोन किया हेमंत। हेलो, ज्योति सुपरमार्केट का ओनर पवन जी ही बात कर रहे हैं? हाँ मैं ही हूँ, बोल क्या चाहिए? शॉप कब खोलेंगे साहब? ए, तुझे काम धंधा नहीं है क्या? अक्कल तेरा घास खाने गया है क्या? कितने बार बोल रहा है तुझे, सुबह 8 बजे के बाद शॉप खोलेंगे, रख दे फोन। क्या 8 बजे के बाद खोलेंगे? तो मैं बाहर कैसे आऊँ? तू कैसे बाहर जाएगा, मतलब तू बाहर जाने का और मेरा शॉप खोलने के बीच क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है पूछ रहा है? अरे बेवकूफ, मैं तेरे ही शॉप में अंदर बंद पड़ गया। क्या मेरे शॉप में? नहीं तो कस्टमर सभी गए या नहीं, बिना चेक किए कैसे बंद कर दिए अपने शॉप को? नीच कमीने, मुझे अभी बाहर जाना है। मैं जाऊँ तो शटर तोड़ के निकल सकता हूँ, बाद में अगर कोई आके चोरी किया तो वो केस मेरे ऊपर तू ठोक देगा। नहीं भाई, नहीं, तोड़ मत, मैं तुझे हाथ जोड़ता हूँ। अब आई बात ठिकाने पे। अरे वो कैश काउंटर पे कुछ पैसे है, 52,000 कुछ बोलने जा रहा था। हाँ 52,918 रुपये है जी। हाँ, वो मैं ले गया, लॉकडाउन में बिना पैसों की तकलीफ हो रही थी, ये मुझे काम आएंगे। क्या पैसा उठाया? ए चोर कहीं का, रुक पुलिस को फोन करके मैं तेरे इलाज करवाता हूँ। क्या रे, मैं अगर चोर हूँ तो तू क्या शांत है? तेरे शॉप में सारे सामान नकली है, पुलिस को बोलने की कोशिश की तो तेरा दुकान जला डालूंगा। चुपचाप अकेले आके शॉप खोल, मुझे बाहर जाना है चोर कहीं का, कह के गालियां देने लगा। साहब वैसा मत कीजिए, उसके ऊपर ही मेरा परिवार निर्भर है, मैं उसी पे जी रहा हूँ, तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ साहब, मेरे शॉप को कुछ मत करो, कह के रोने लगा। छी छी छी, पनवती कहीं का, रोना बंद कर रोना,
तो पवन तुरंत रोना बंद कर दिया। तू गलती करके मेरे ऊपर क्यों रो रहा है? तुरंत मुंह साफ कर। तो पवन तुरंत मुंह साफ किया। हंस हंस। तो पवन तुरंत कह के हंसने लगा। और ठीक से हंस, और ज्यादा हंस। हाँ हाँ, वैसे ही हंस, फेस वैसे ही रखना हमेशा। कमान कमान, जल्दी आके ताला खोल कुत्ते। तो पवन भागते हुए शॉप के पास आया, शटर उठाते हुए। ए भगवान, ये कौन है जो मेरे शॉप में घुस गया? ये महीना तुम्हारा अच्छा जाएगा कह के मैंने ज्योतिषवाणी में पढ़ा था, तो लगता है यही वो अच्छे दिन है। सोच के उसने शटर खोला। बात खत्म। तुरंत हेमंत पीछे से आके पवन के कमर पे लात मारा। पवन अंदर गिरते ही हेमंत शटर क्लोज करके वहां से भाग गया।